राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने करा आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम। राजस्थान सरकार में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने आज जनसुनवाई कर जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करने की कोशिश की। साथ ही पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार की रीट परीक्षा को लेकर की गई व्यवस्था को जमकर सहारा। वही भामाशाह के द्वारा किए गए सहयोग के लिए भी उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने पहली बार बेरोजगार युवाओं को बस की सुविधा व इंदिरा रसोई में खाने की व्यवस्था फ्री की है, जो सराहनीय है। साथ ही कोरोना को लेकर पत्रकार डब्लू गोस्वामी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर अभी भी सभी को सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे आने वाले खतरे को कम किया जा सके। जन सुनवाई के बाद किशन लाल कुमावत टीम द्वारा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत कर बधाई और आभार प्रकट किया। सभी प्रणाम। प्रणाम सभी। आज हमारा राजस्थान में सरकार की इतनी बढ़िया नीति रीति के अनुसार हर एक काम हो रहा है। अभी आप बताइए, हमारा राज्य सरकार के क्या आगे परिस्थिति होगा और कोरोना का तीसरी लहर का क्या मामला होगा, और आपके पास इतनी जनसुनवाई में सबसे ज़्यादा आपने टाइम दे रहा है, इसमें जनता के प्रति बहुत जागरूकता आपके ऊपर आ रहे हैं, तो आप कैसे मैसेज कर रहे हैं? देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार में जो कोरोना का जो प्रबंधन जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किया, उसकी आप लोगों के मीडिया के माध्यम से और आम जनता ने और सभी स्टेट के सीएम और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी तारीफ करी, जो आप सब लोगों को जानकारी में है। रही बात थर्ड लहर की, तो थर्ड लहर के आने की जो संभावना जो बताई जा रही है, उससे हमको बचाव रखना पड़ेगा। अभी भी बड़े प्रोग्राम जो जहाँ क्राउड इकट्ठा हो, उसको हमें रोकना पड़ेगा, और जो भी ब्याह शादियाँ या जो बड़े प्रोग्राम है, उनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ये राजस्थान की सरकार का भी आह्वान है और आम जनता से भी आह्वान है। रही बात दूसरी सरकार की उपलब्धियाँ, जो आप सब लोगों को जानकारी है कि अभी इस प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो रिट का एग्ज़ाम जो कल हुआ, और जो व्यवस्थाएँ राजस्थान की सरकार ने करी, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा युवाओं का ध्यान रखा है। बजट घोषणा हुई तो मुख्यमंत्री जी ने बजट के अंदर ही इस बात का प्रावधान रखा कि राजस्थान की रोडवेज ना जब भी कोई युवा एग्जाम देने जाएगा, न केवल रिट बल्कि जब भी कोई एग्जाम होगा आज कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के अंदर, तो उसमें फ्री बस सेवा उस युवा विद्यार्थी को दी जाएगी। फिर बात आई कि प्राइवेट बसों का, तो प्राइवेट बसें भी कल फ्री करी और उसकी तारीफ आज पूरे देश में हो रही है। अन्य स्टेट के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। अभी हम लोग सीएम साहब से मिले थे कुछ देर पहले, कुछ मिनिस्टर भी थे, कुछ विधायक भी थे, हम लोग सब मिले थे, इसी बात को चर्चा हुई थी। मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने इसी बात का धन्यवाद दिया कि इसकी चर्चा मध्य प्रदेश में भी हो रही है, गुजरात में भी हो रही है, बॉर्डर पे जो राजस्थान के लगता हुआ एरिया है उसमें दूसरे स्टेट के लोग जो है हमारे लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि काश ऐसी व्यवस्था हमारे सीएम भी करें। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को हम लोग भी धन्यवाद दे के आ चुके हैं। और उसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भामाशाहों का, जो गाँव के लोगों ने, जो गाँव के जनप्रतिनिधि है उन्होंने, और गाँव के भामाशाहों ने जो आगे बढ़ के जो बच्चे आए एक रात पहले, उनको ठहरने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, और उनको स्कूल तक जहाँ पर उनका सेंटर है वहाँ पर पहुँचाने की जो व्यवस्था की है, उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी बच्चा बच्ची अगर दूसरी जगह से आते हैं तो हमारा फर्ज भी बनता है, हमारा दायित्व भी बनता है कि बच्चा हमारा है और अच्छे तरीके से उसका एग्ज़ाम देवे तब तक वो रहे।